तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र को हिंदू धर्म में सबसे विनाशकारी अस्त्र कहा गया है। ये अस्त्र इतना पावरफुल है कि सिर्फ इसे चलाने से ही पृथ्वी और सारे ग्रहों पर भूकंप आ जाता है। इस अस्त्र का यूज महाभारत और रामायण में किया गया था, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा घातक, विनाशकारी और शक्तिशाली तीन ऐसे अस्त्र हैं जो केवल एक ही बार प्रयोग में आते थे। जो भी इन्हें यूज करता था वो सिर्फ इन्हें एक ही बार यूज कर सकता था। आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे तीन अस्त्र हैं और उन्हें इतना घातक क्यों कहा जाता है। ब्रह्म शीर्ष अस्त्र। हिंदू ग्रंथों के हिसाब से ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के एक फेस को रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्म शीर्ष अस्त्र भगवान ब्रह्मा जी के सभी फेस को रिप्रेजेंट करता है। ये अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा पावरफुल है। इस अस्त्र के बारे में माना जाता है कि जब ये चलाया जाता था तो वहाँ के स्काई से फायर रेन होने लगती थी। जिस भी जगह पर इसका प्रभाव पड़ता, कई सालों तक वहाँ कोई भी फसल नहीं उग सकती थी। इसलिए इस अस्त्र को बहुत सोच समझ कर चलाया जाता था। ब्रह्मदंड अस्त्र। यह अस्त्र पौराणिक काल में बहुत कम यूज किया जाता था, क्योंकि इसके उपयोग भर से ही जनजीवन के खत्म होने का डर रहता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र को कर्ण पर चलाया था। इस अस्त्र को सिर्फ मंत्रों से ही बुलाया जा सकता था और इसकी शक्ति अनलिमिटेड थी। माना जाता है कि ये अस्त्र 14 गैलेक्सीज को खत्म करने की पावर रखता था। ये अस्त्र इतना पावरफुल था कि ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष अस्त्रों को भी बेअसर कर सकता था। इसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र है, जिसे असुरों को मारने के लिए यूज किया जाता था। ये अस्त्र बहुत ही ज्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव है। इसकी पावर्स लिमिटलेस हैं, इसलिए इसे कोई भी नॉर्मल इंसान संभाल नहीं सकता। कहा जाता है कि नारायणास्त्र एक बार चला दिया जाए तो कोई इसे रोक नहीं पाता था। एक बार चला दिए जाने पर यह दुश्मन को मार कर ही वापस आता था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कुछ फैक्ट है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।